नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं आपकी बात। आज का हमारा विषय है राज्यसभा को लेकर पेश की गई दावेदारी, नामांकन और उसके बाद की सियासत। सरोज सियासत और साइड इफेक्ट, ये आज का विषय जिस पर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सीट की उम्मीदवार बनी सरोज पांडे ने धूम धड़ाके के साथ सबको लेकर साथ नामांकन दाखिल कर दिया। भले ही एक सीट के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव है, पर इसके लिए जो राजनीति हुई, जिस तरह की सारी राजनीतिक गतिविधियां हमको दिखाई पड़ी, वो काफी तेज और तीखी रही। सरोज पांडे की उम्मीदवारी को काफी चौंकाने वाला फैसला बताया गया। इधर कांग्रेस ने भी ये जानते हुए कि बहुमत उनके साथ नहीं है, बीजेपी को वॉकओवर नहीं दिया। आज राज्यसभा चुनाव के बहाने जो राजनीति हुई है, जो दिख रही है और आने वाले वक्त में आने वाले चुनाव पर उसका जो नतीजा होगा, इसकी बात करेंगे। स्वागत के लिए उमड़िए भीड़ बता रही है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अंदर भी राजनीति पूरी शिद्दत से उमड़ उमड़ रही है। ये भीड़ पार्टी कार्यकर्ताओं की ही है जो राजधानी के बीजेपी कार्यालय में जमा थी। सरोज पांडेय का नाम राज्यसभा के लिए फाइनल होते ही उनके समर्थकों में जैसे उत्साह की नई लहर दौड़ पड़ी। वो हाथों में गुलदस्ता और हार लिए अपने नेता का इंतजार करने लगे। सरोज पांडेय को भी ऐसे भव्य स्वागत की उम्मीद नहीं रही होगी। यहाँ तो हर कोई उन्हें जैसे बधाई देने की होड़ में शामिल देखा। दुर्ग स्थित घर में एक छोटा सा एक्सीडेंट होने की वजह से सरोज पांडेय वॉकर की मदद से चलती दिखी, पर उनके चेहरे की मुस्कान ये बता रही थी कि अब रायपुर से दिल्ली तक उनके हनक सुनाई दे रही है, वो भी मुकम्मल तौर पर। धर्मलाल कौशिक की राज्यसभा सीट पक्की मानी जा रही थी कि अचानक सरोज पांडेय के नाम पर मुहर लग गई। इस फैसले ने सबको चौंका दिया। सियासी पंडितों में से बहुत से ये मान रहे थे कि इस बार सीएम के तौर पर सरोज पांडेय का नाम प्रस्तावित हो सकता है। ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेजे जाने से उनका स्पेकुलेशन गड़बड़ा गया। और जब सीएम पद को लेकर सरोज पांडेय से सवाल हुआ तो बड़ी साफ गोई से उन्होंने इसका जवाब दिया। आज पार्टी ने मुझे ये मौका दिया, पार्टी ने जो मौका दिया है, मैं उसके लिए शायद शब्द नहीं है। पार्टी ने लगातार हर बार अवसर दिया है और मैं एक ईमानदार कोशिश करूंगी कि पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। सरोज पांड्या राज्यसभा के नामांकन के लिए दुर्ग के अपने मैत्री कुंज निवास से सुबह रायपुर स्थित पार्टी कार्यालय पहुंची, फिर वहां से एक बड़े लाव लश्कर के साथ विधानसभा पहुंची। राज्यसभा के लिए अपने नामांकन को उन्होंने पार्टी के आदेश के रूप में पेश किया। वहीं मुख्यमंत्री रमन सिंह ने उन्हें इस नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। एक और ताकत बढ़ी है हमारे दोनों राज्यसभा के सदस्यों की। अब एक छत्तीसगढ़ की बात को दिल्ली में रखने के लिए राष्ट्रीय महामंत्री की हैसियत से तो करती थी, अब संगठन के एक राज्यसभा के दायित्व के लिए और एक बेहतर अवसर उनको मिलेगा। सरोज पांडेय पर पार्टी हाईकमान का ये नया दांव कुछ कहता है, बल्कि बहुत कुछ कहता है, क्योंकि ये चुनावी साल है और इस साल में हर मौका ग्रैंड होगा, हर घटना मैग्नीफाइंग ग्लास से देखी जाएगी। राई बनेगी पहाड़, तिल बनेगा ताड़, हर बात बनेगी बतंगड़ और दूर हवा में ये शोर गूंजेगा कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। दुर्ग से आकाश राव के साथ राजेश मिश्रा, IBC24 रायपुर। तो सरोज पांडे जी राज्यसभा जाएंगी और राज्यसभा में प्रदेश की आवाज या प्रदेश के मुद्दों को बुलंद करेंगी और सबने उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी। कांग्रेस ने अपनी तरफ से मैसेज दे दिया कि वो वॉकओवर नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह से पहले प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने आया था उस पर निशाना साधा गया और अब इसके बाद लेखराम साहू जी का अपने प्रत्याशी के तौर के ऊपर सामने लाना, कांग्रेस पार्टी ने भी क्लियर कर दिया कि वो किसी भी मोर्चे पर वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। प्रतीकात्मक ही सही, लेकिन वो बताने के लिए काफी है कि हम चुनावी मैदान में हर तरह से आपका मुकाबला करेंगे। अब इसके पोस्ट इफेक्ट क्या होंगे, क्या सीएम पद के को लेकर के जिस तरह के बयान सरोज पांडे जी देती रही हैं और उसके बाद में अब उनका दिल्ली की तरफ कूच करना, क्या एक चैप्टर का क्लोज होना है या बहुत सारे जो चैप्टर हैं उससे खुलने वाले हैं, इस पर भी बात करेंगे। दो बहुत विशिष्ट मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से जो राज्यसभा की प्रत्याशी बनाएंगे लेखराम साहू जी, वो हमारे बीच में। बहुत स्वागत करते हैं आपका और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और साथ ही साथ में संजय श्रीवास्तव जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार लेखराम जी, चलिए आप ही से शुरुआत करते हैं। ये प्रतीकात्मक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जता दिया कि आप वॉकओवर नहीं देंगे,
हालांकि सत्यता का पता आपको भी है, वास्तविकता का पता आपको भी है कि संख्या बल आपके साथ में नहीं है। क्या मैसेज आपकी तरफ से है पार्टी को, प्रदेश को और पार्टी की तरफ से सत्ता पक्ष को? सबसे पहले मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, सोनिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भाई भूपेश बघेल को और टी एस सिंहदेव जी को, जो कि एक गरीब किसान के पुत्र को उन्होंने राज्यसभा का टिकट का फॉर्म भरा है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनका मैं आभारी हूँ और सदैव आभारी रहूँगा। लेकिन ये भी माना जाता है कि अगर आप किसी एक टिकट के लिए दावेदारी करते हैं और ख़ास तौर से एक्टिव चुनाव में अगर आप दावेदारी करते हैं, वहाँ से अगर आपको किसी दूसरे टिकट का प्रत्याशी बना दिया जाए या दूसरी तरफ आपको मोड़ दिया जाए तो प्रदेश की सियासत से वैसा दखल आपका नहीं रह जाता, ये बात भी है, तो आपकी कुछ बाकी की इच्छाएँ होंगी वो भी कहीं ना कहीं पीछे दब गई, छूट गई? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने उपयुक्त रणनीति के तहत ही मुझे इसमें अवसर दिया। इनके पहले भी मैं गांव में सरपंच था 98 में, उनके बाद मैं मंडी डायरेक्टर था, उनके बाद सीधा मेरे को विधानसभा का टिकट दिया, भाई अजय चंद्राकर के साथ मैंने चुनाव लड़ा और उसने मैं चुनाव जीत के आया, उसके बाद मुझे जिला अध्यक्ष के पद से नवाजा गया और अभी वर्तमान में मुझे राज्यसभा सांसद का टिकट दिया गया, इनके लिए मैं आभारी हूँ पार्टी की। चलिए मैं आपसे भी बात करता रहूंगा, संजय श्रीवास्तव जी। संजय जी, जब कभी भी पार्टी का चेहरा कौन होंगे प्रदेश में लगातार 3 टर्म के बाद जब अगले चुनाव में जाएंगे तो फिर इसका फैसला आला कमान करेंगे, बार बार ये बात कहकर सुर्खियों में आती रही हैं सरोज पांडे जी और अब दिल्ली की सियासत की तरफ उनको भेजा गया, तो एक बात यह है कि क्या आपने एक चैप्टर को क्लोज किया या जो पुराने चैप्टर्स थे उनका समाधान खोजने का एक सार्थक प्रयास किया? देखिए पुनीत जी, राज्यसभा एक उच्च सदन होता है और उच्च सदन में जब इस तरह के चुनाव होते हैं सीटें रिक्त होती हैं तो एक सीटें कभी दो सीटें होती हैं और इन सीटों में विशिष्ट व्यक्तियों को जो हमारे पार्टी के जो अनुभवी जो नेता हैं जो हमारे सीनियर्स लीडर्स हैं उन पर चर्चा होकर किसी एक नाम पर मुहर लगकर अंत में ये निर्णय होते हैं, ये हमेशा से लगातार होते चले आए हैं। तो मुझे लगता है कि प्रदेश नेतृत्व ने कुछ बेहतर नामों की एक सूची वहां पर भेजी और राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन पर मोहर लगाकर जो बेहतर था गुणदोष के आधार पर वहां पर उन्होंने मोहर लगाकर सुश्री सरोज पांडे जी को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया और आज उन्होंने नामांकन वहां पर दर्ज किया है। देखिए, एक मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से आपने देखा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो हमारे जितने मंत्रीगण प्रमुख मंत्रीगण थे उन सभी को पुनः राज्यसभा में रिपीट किया गया है और जो मेरी जानकारी में है कि राष्ट्रीय जो महामंत्री हमारे लगभग सभी राष्ट्रीय महामंत्रियों को भी राज्यसभा इस बार भेजा गया है। तो एक कड़ी तो यह है कि एक राष्ट्रीय महामंत्री के बतौर सुश्री सरोज पांडे जी का चयन करके कि छत्तीसगढ़ से उनको भी एक मौका देकर राष्ट्रीय राजनीति में, तो वो पहले से थी ही कि राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम करे या महिला मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया, लेकिन एक और कड़ी कि राज्यसभा सांसद के रूप में वो काम करेंगी और देश के अंदर में बीजेपी के लिए वो लगातार काम कर रही और करती रहेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस विषय को आपने जोड़ा है ये ऐसा विषय नहीं है। देखिए, राजनीति में हमेशा इस तरह की चीजें खुली रहती हैं लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार आज की परिस्थितियां क्या बोलती हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको वहां भेजकर यहां के चैप्टर को समाप्त करें या वहां कोई नया चैप्टर खुलेगा, ऐसा नहीं है। यह कवायद लगी रहती है, राजनीति में सब चीजें बंद नहीं होने वाली है, लेकिन आज जो ऑप्शन थे, आज जो बेहतर, आज जो आवश्यकता जिस चीज की थी, तो मुझे लगता है कि आज प्रदेश नेतृत्व ने और केंद्रीय नेतृत्व ने एक बेहतर निर्णय करके सरोज जी को, ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात ऑप्शन की, आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ी। ऑप्शन की अगर आप बात करें तो जो ऑप्शंस भेजे जा रहे थे या जिन ऑप्शंस की बात थी उसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष का नाम था, उन्होंने तो फॉर्म भी खरीद लिया था, इस बात को आज क्लैरिफाई भी किया गया, लेकिन उनके फॉर्म खरीदने से लेकर अब तक, और ये भी कहा जा रहा है और पार्टी के भीतर बहुत अच्छी तरह से कहा जा रहा है कि नाम कुछ और थे और वहां से सरोज पांडे जी का नाम वहां से आ गया, तो इसलिए मैंने कहा कि पहले दावेदारी फिर किसी नाम का निर्णय केवल दिल्ली से होगा जो सबको पता है, ये बात को मीडिया के सामने आकर कहना और अब इस तरह से राज्यसभा में कहीं संकेत तो है, राज्यसभा में कहीं उम्मीदवारी का विषय नहीं रहता, सबसे पहली चीज है। मैंने कहा कि जब ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं, विधानसभा में 90 सीटों का चयन करना रहता है, लोकसभा में 11 सीटों का चयन कर रहता है, तो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, कौन से जातिगत समीकरण, कौन से समीकरण के तहत किन सीटों को कहां पर ले जाया जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। राज्यसभा के समय में केवल एक यही बातें रहती थी, कुछ हमारे प्रमुख नाम रहते हैं उसमें हमारे जो सीनियर्स लीडर रहते हैं, मुझे बात कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि जातिगत समीकरण के आधार पर कि एससी वर्ग का प्रतिनिधित्व हो जाए, एसटी का हो जाए, ओबीसी का हो जाए, सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व हो जाए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा समय के हिसाब से और
प्रदेश अध्यक्ष जी धर्मलाल कौशिक जी का जो विषय है वो ऐसा विषय नहीं है, वो एक निश्चित रूप से उनका नाम भी प्रमुखता से था, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, कहीं दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन किसी एक नाम पर पहले मुहर लग गई थी, हम वापस लिए नाम, ऐसा ऐसा कोई विषय नहीं है। जो चीजें बाहर आई कि ठीक है फॉर्म खरीदा गया, जो भी फॉर्म वाले विषय आया है, लेकिन कुछ तकनीकी त्रुटि या कुछ, सारे समीकरण संजय जी आप भी जानते हैं, आपने आपने जैसे जातिगत समीकरणों की बात की, जातिगत समीकरण के आधार पर आज भी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आपने एक खास वर्ग को जो है वो दरकिनार कर दिया है, अपनी तरफ से उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए, विपक्ष के आरोपों को आप छोड़ दीजिए, तो किसी समीकरण से ये नाम कम से कम नहीं दिखता। मुझे इस पूरे मामले में बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि राज्यसभा, जैसा मैंने कहा कि उच्च सदन का मैंने इस बात का प्रयोग किया, और शायद वहां पर हम किस तरह से निर्णय करते हैं ये आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ में हमेशा से दुर्भाग्य रहा है कि कांग्रेस हर विषय को कहीं ना कहीं राजनीति में घसीटना चाहती है, दलगत राजनीति में, हम उसका लाभ किस तरीके से लें। उदाहरण के तौर पर जो बातें आई पहले धर्म कौशिक जी, अब धर्म कौशिक जी का प्रचार करके कि उनकी सीटें तय थी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको यह लग रहा है कि शायद डिक्लेयर हो गई थी क्या सीटें जो हमने नाम वापस लिया, या फिर मैं मुझे नहीं कहना, मैं तो लेखराम साहू जी को बधाई देता हूं कि उनका चयन हुआ, पार्टी के प्रति उनका विश्वास है, यह आंतरिक मामला है, लेकिन किन परिस्थितियों में उस वर्ग के बारे में भी मैं कहना नहीं चाहता, ये जातिगत वाला कहीं कोई विषय नहीं है राज्यसभा के लिए, राज्यसभा में जो उचित प्रतिनिधित्व लगता है, चूंकि लेकिन तमाम वर्गों का जिक्र, लेकिन इसलिए मैंने बात की कि होता है, देखिए मैंने कहा जब ऑप्शन होते हैं 90 विधानसभा ठीक है, 10 हमारे इस वर्ग के हो जाए, तो ऑप्शन तो थे ना, आपने स्वीकार किया कि वो भी ऑप्शन नहीं, नहीं राज्यसभा के लिए केवल एक सीट है, उच्च सदन एक एक कोई बेहतर आदमी वहां पर चला जाए, हम इसको भी यदि जातिगत आधार पर तोलेंगे करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद ये उचित नहीं है, जहां पर मौका है वहां करना चाहिए। आज किन परिस्थितियों में लेखराम साहू जी गए, शायद लेखराम जी भी अपने दिल पर हाथ रखकर बात कहना चाहते हैं, साहू जी जी कही अपनी बात। श्रीवास्तव साहब पहले बोल रहे थे कि कोई टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ था कौशिक साहब का, मैं मानता हूं, लेकिन कौशिक साहब ने कैसे फार्म खरीदा ये सोचने वाली प्रश्न है। अगर टिकट डिक्लेयर नहीं होता तो हम धर्मलाल कौशिक क्यों फार्म खरीदते और आज टिकट क्यों बदल गया, कैसा बदल गया, ये बड़ा सोचने वाली बात है एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी बात यह है कि हमारे अध्यक्ष महोदय क्यों राज्यसभा सांसद जाना चाहता है, वो तो पहले विधायक थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, क्या इतना भय हो गया भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, हम लोग हार जाएंगे, क्या ऐसी बात मेरे को समझ आ रहा है क्या? जी संजय जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है लेखराम साहू जी ने गलत प्रश्न कर दिया, मैं उनसे यदि पूछूंगा कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, कि आपको हार का डर है क्रूद में, तो शायद उनको जवाब मेरा मिल गया होगा। बात ऐसा नहीं होता लेखराम जी कि कौन जाना चाहता है डर के मारे, ये तो आपकी कवायद है, आप लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश है, ये तो समय के साथ में परिवर्तन होता है। आप जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप डिक्लेयर कर दीजिए कि आप क्रूद हार जाएंगे, आपको क्रूद में डर है इसलिए आप राज्यसभा आपको बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपके लिए भी प्रयोग नहीं करता, पार्टी ने कुछ सोचकर आपको वहां पर भेजा होगा, ये उनका एक आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूं कि जो जिसको आप लोग मुद्दा बना रहे हैं ऐसा नहीं है, कहीं कोई डिक्लेरेशन हुआ कि आप बताएं कि हमारे केंद्रीय कार्यालय से डिक्लेयर हो गया फिर हमने वापस लिया, ये जरूर है तकनीकी आधार पर। श्रीवास्तव जी सारी बातें, ये सारी बातें उठी कहां से और कहां से मीडिया में आई ये बात आप भी बेहतर जानते हैं, मैं उसको रिपीट करके जो हमारी चर्चा का विषय उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि जिन वर्गों की आप बात करें, जिन क्राइटेरिया की बात करें, जिन विकल्पों की बात करें, उनसे नए विकल्प अगर आए और वो विकल्प भी ऐसा हो जो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है अपने बयान से, तो सवाल उठता है। और बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर धर्मलाल कौशिक जो स्टेट हेड है उनका नाम भी सामने आया और उसको लेकर उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। हम तो चाहते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में शक्ति केंद्र का स्थापना हो, और इसलिए इस बात को शायद पता नहीं आपको क्यों अभी मालूम हो रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के नेतृत्व और उभर करके आए और देश में एक छत्तीसगढ़ का हमारा नाम हो, ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, वो संगठन का मुखिया है, पार्टी को फार्म भरवाना, उनके तैयारी करवाना, आपको मालूम होगा इसके पहले रामविचार जी का जब नाम आया था, रामविचार जी बाहर थे उस समय भी हमने तैयारी करवाई थी कि जो औपचारिकता क्या है उसकी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरा दायित्व तो भी बनता है, और ये जरूरी नहीं था कि धर्म कौशिक प्रत्याशी होगा, प्रत्याशी तो जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है कि यहाँ पर जो एबी फार्म है वो मेरे सिग्नेचर से ही जाएगा, शायद उस बात को आप लोग भूल गए थे।
चलिए, तो ये सारी की सारी बातचीत और ये सारी सफाई किस विषय में थी ये भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि नाम की चर्चा पहले थी, फॉर्म भी खरीद लिया गया, लेकिन बाद में जाकर एक जो प्रत्याशी जो कैंडिडेट सामने आए उनको लेकर के ही आज हम बातचीत कर रहे हैं। संजय जी, अब सीधा सवाल है कि इसी साल के अंत तक आपको इलेक्शन में जाना, स्टेट में असेंबली इलेक्शन में आपको जाना, लेकिन इसके पहले जो लगातार प्रदेश में नेतृत्व कौन करेगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, चेहरा कौन होगा सीएम का, उसको लेकर जो सवाल उठाने वाली हमेशा नेत्री रही हैं, जो केंद्र में रहती हैं, सुर्खियों में रहती हैं, वो अब चली गई राज्यसभा, तो थोड़ी आसानी होने वाली? देखिए, ऐसा नहीं है। आने वाले नवंबर 2018 में जब हम चौथी बार सरकार बनाने के लिए हमारा प्रयास है और निश्चित रूप से हम सरकार बनाएंगे, मिशन 65 को तय करें हैं, तो इसमें जितना महत्व है डॉक्टर अमन सिंह जी का है, जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। इस प्रदेश की जनता ने उनको लगातार आशीर्वाद दिया, एक ऐसा चेहरा जो एक विश्वसनीय चेहरा है इस प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में, उन चुनावों के अंदर में इस लक्ष्य को पूरा करने में सरोज पांडे जी जो राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने वाली हैं, वो से लेकर तमाम हमारे प्रदेश के नेता और राष्ट्रीय नेतृत्व की मेहनत और उनका कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मिलेगा। जब चुनाव जीता जाता है, चुनाव लड़ा जाता है, तो ये बात सत्य है कि किसी एक फेस को सामने रखकर, जो मुख्यमंत्री के तौर पर हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर हो सकते हैं, उनको लड़ा जाता है, लेकिन उसके पीछे सारे नेताओं के सारे कार्यकर्ताओं की ताकत होती है। कार्यकर्ता शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि बीजेपी की जो पद्धति आप हैं कि कार्यकर्ताओं के आधारित ये पार्टी है, और हमारा बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर जो राष्ट्रीय नेतृत्व तो माननीय अमित शाह जी तक, ये प्रत्येक चुनाव कंफ्यूजन कार्यकर्ताओं तक भी दूर हो गया होगा, अब आप पूरी तरह से दूर होता जा रहा है, कंफ्यूजन कहीं नहीं, देखिए वो कंफ्यूजन क्रिएट होता था ना क्षेत्र में, देखिए राजनीति के क्षेत्र में हम काम करते हैं, आज एक छोटा सा राज्यसभा का चुनाव जिस पर विषय पर चर्चा हो रही है, कई ऐसे दावेदार हैं, कई लोग चाहते हैं कि वो राज्यसभा जाएं, कहीं इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो विधायक बन जाए, पार्षद बन जाए, मुख्यमंत्री बने, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, तो ये तो एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हम सब साथ में चलते हैं, और जो प्रदेश नेतृत्व तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करता है उस पर मोहर लगती है, और उसके नेतृत्व में हम काम करते हैं, उसके नेतृत्व में हम लगातार इस तरह के कामों में लगे रहते हैं। ठीक है लेखराम जी, अब आपका अगला, जैसे पार्टी ने आपको, आप बार बार कह रहे हैं जब से आपका, आपके नाम की घोषणा हुई, आप कह रहे हैं कि किसान पुत्र को मौका मिला, तो किसान पुत्र विधानसभा चुनाव में भी मौका चाहेगा क्या, अपने क्षेत्र के लिए योगदान देने के लिए क्या वो मौका चाहेगा, टिकट चाहेगा? दूसरी बात यह है कि पार्टी ने जो विश्वास किया, जो मैसेज देने की कोशिश की, अब ये जो दरमियान है जब तक पूरा इलेक्शन पूरा नहीं हो जाता राज्यसभा का, क्या आप मैसेज लगातार देंगे, क्योंकि केवल सिंबॉलिक है आप भी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी जो बात कहती है वो बात करती है, कांग्रेस पार्टी किसानों की बात करती है, नौजवानों की बात करती है, और आज एक नौजवान को और एक किसान के पुत्र को आज टिकट देकर बता दिया कि कांग्रेस पार्टी जो बात कहती है वो बात करके दिखाती है। जब भी पार्टी मुझे और मौका देगा निश्चित तौर पे मैं, तो आप मांगेंगे नहीं मांगेंगे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप मांगेंगे? हमारे पार्टी में मांगने की जरूरत नहीं, हम तो नहीं मांगे थे राज्यसभा सदस्य टिकट, हमारे पार्टी ने बुला दिया, योग्यता के आधार पे दिया, ऐसा हमारे कांग्रेस पार्टी में चलता है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा विचारधारा की पार्टी है और 125 साल की पुरानी पार्टी है, उस पार्टी में सबका विश्वास है और उसी विश्वास पे हम चलते हैं, वही विश्वास आगे बढ़ाता है। और जैसे अब आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए हैं, तो आप कोई मांग उनसे करेंगे? उनका काम करने का वर्किंग स्टाइल थोड़ा सा नया है, उनकी टीम नई है, उनके उनके जोश भरने का तरीका भी बिल्कुल अलहदा है, अलग है, तो आप उनसे कुछ मांग करेंगे पुराने प्रत्याशी या पुराने कैंडिडेट की तरफ से? जो बातें आपने भी महसूस की होंगी, क्या ये बातें आप वहां तक पहुंचाएंगे? कांग्रेस पार्टी मांगने की जरूरत नहीं, जिस ढंग से हमें उठा के एक सरपंच विधायक बनाए, या मांगने का फायदा नहीं, आप ऐसा नहीं, विधायक से राज्यसभा सांसद बनाए, मांगने का फायदा नहीं, मांगने की जरूरत नहीं है, फायदा नहीं, जरूरत नहीं है, जो उपयुक्त है वो लोग आने वाले समय में करते हैं, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मुझे आज मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मैं एक सरपंच। लेकिन आपको मौका मिला है तो आप उसको जरूर पूरा करने वाले हैं? जी जी, आने वाले समय में अगर आपको मौका मिलता है तो आप उसके लिए भी तैयार? जी जी तैयार है। चलिए, तो कुल मिलाकर हालांकि उच्च सदन के लिए होने वाले चुनाव में ये केवल सिंबॉलिक है ये प्रतिस्पर्धा, और कांग्रेस पार्टी ने जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि जता दिया है कि हम किसी भी तरह से किसी भी मंच पर वॉकओवर नहीं देंगे, लेकिन इसके पोस्ट इफेक्ट तो हैं, कोई स्वीकार करे अथवा ना करे, आने वाले चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए दोनों के लिए जो जुट जाने का वक्त है, इसमें हर एक चुनाव हर एक मूव के बड़े गहरे अर्थ हैं, ये अर्थ जमीन पर और वास्तविकता के धरातल पर कब और कैसे सामने आते हैं, परिलक्षित होते हैं, बताते आपको रहेंगे। फिलहाल इतना ही, आप दोनों का धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।